हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा व्हाई डू सम ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक इन वाटर। कोई भी ऑब्जेक्ट वाटर में सिंक क्यों होता है, मतलब डूबता क्यों है और फ्लोट क्यों करता है वाटर में, वाटर के सरफेस के ऊपर, या वो डूबता क्यों है, ये रीजन मैं आप लोगों को समझाऊंगा आज के वीडियो में, ठीक है। और अभी तक हम लोग क्लास 9 साइंस का चैप्टर 10 कर रहे थे, दैट इज ग्रेविटेशन। आज का वीडियो लेक्चर नंबर 7 है। इसके पिछले वीडियो में दैट इज लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 6 तक मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था दैट इज ग्रेविटी क्या होता है और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ठीक है। और उसी के साथ साथ मैंने आप लोगों को यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी सिखाया था, ठीक है। और मैंने आप लोगों को फ्री फॉल का कंसेप्ट और इक्वेशन ऑफ मोशन इन ग्रेविटेशन वो भी आप लोगों को मैंने सिखा दिया था। तो अगर आपको सारा कंसेप्ट अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में देख सकते हो, ठीक है। इसी के साथ साथ अभी तक हम लोग क्लास 9 साइंस का चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 8 एंड चैप्टर 9 मैंने आप लोगों को हर एक टॉपिक, ये सारा चैप्टर का हर एक टॉपिक मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपको सारा टॉपिक अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में देख सकते हो, ठीक है। इसी के साथ साथ मैंने आप लोग को चैप्टर 8 और चैप्टर 9 का जितना भी एनसीईआरटी न्यूमेरिकल क्वेश्चन था जो की आप लोग का बोर्ड एग्जाम में आता है वो सारा मैंने आप लोग करवा दिया, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में डाउट लगे तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल में जाके उसको देख सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे यहाँ पे आपको क्या बोला जा रहा है, सबसे पहले व्हाई डू सम ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक इन वाटर। कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक क्यों करता वाटर में, ठीक है। मैंने लास्ट क्लास आप लोग को डेंसिटी का कंसेप्ट सिखाया था, ठीक है। वो डेंसिटी का कंसेप्ट इसमें लाएगा। डेंसिटी का मतलब क्या बोला था, मैंने एक एग्जाम्पल किसको समझाया था, अगर आप 1 केजी आयरन लेते हो, ठीक है, और 1 केजी कॉटन लेते हो, ठीक है। तो मैंने आप लोग से एक सवाल पूछा था, 1 केजी आयरन और 1 केजी कॉटन में से कौन सा ज्यादा स्पेस घेर सकता है, ठीक है। अगर मैं 1 केजी कॉटन को और 1 केजी आयरन को कहीं भी रखता हूं तो कौन सा यहां से कौन सा ऑब्जेक्ट ज्यादा स्पेस घेरेगा, तो ऑब्वियसली आपका आंसर क्या होगा, कॉटन। बिकॉज कॉटन क्या होता है, कॉटन का साइज इतना बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन आयरन इतना छोटा भी हो सकता है 1 केजी का, ठीक है। भले वेट सेम है लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी मैटर करता है, ठीक है। क्वांटिटी मतलब क्या समझाया था, दैट इज मास, ठीक है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे, जो नंबर ऑफ कॉटन्स होंगे, ठीक है, कॉटन का पार्टिकल वो ज्यादा होंगे एज कम्पेयर टू आयरन। है दोनों 1 केजी 1 केजी का, लेकिन कॉटन जो है ये ज्यादा स्पेस घेरेगा। तो जो ज्यादा स्पेस घेरता है उसका ज्यादा डेंसिटी होता है। मैंने ये लास्ट क्लास आप लोगों को डेंसिटी का कंसेप्ट सिखाया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले पढ़ेंगे नंबर 1 में, दैट इज कि कोई भी ऑब्जेक्ट वाटर के अंदर डूब क्यों जाता है, क्या रीजन है, ठीक है। इफ द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मोर देन वाटर, अगर ऑब्जेक्ट का डेंसिटी वाटर से ज्यादा होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट का दैट इज डेंसिटी वाटर से ज्यादा होता है तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सिंक हो जाएगा वाटर के अंदर। कहने का मतलब, अगर मान लीजिए एक आयरन रोड लिया और वो आयरन रोड को आपने पानी के अंदर फेंक दिया, ठीक है, तो पानी का डेंसिटी क्या होगा, उस टाइम कम होगा एज कम्पेयर टू आयरन। तो आयरन का डेंसिटी ज्यादा है इसके वजह से वो क्या होता है, पानी के अंदर डूब जाता है, ठीक है, सिंक हो जाता है। इवन यहाँ पे और एक कंसेप्ट है, यहाँ पे मैंने आप लोगों को बायोन फोर्स क्या होता है वो समझाया था। बायोन फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो अगर कोई भी लिक्विड के ऊपर अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट को डालते हो तो ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं बायोन फोर्स, ठीक है। तो वो बायोन फोर्स जब आप लोग कोई ऑब्जेक्ट को अंदर डाले तो डालने के बाद ऊपर की तरफ कौन फोर्स लगाएगा, वाटर लगाएगा, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोन फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे इस सिचुएशन में क्या होता है, यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट को डाला तो ऑब्जेक्ट का वेट भी तो होता है ना, तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेट फोर्स। तो याद रखिएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट तभी डूबेगा ना, कोई भी ऑब्जेक्ट तभी सिंक होगा जब वहां पे सिचुएशन क्या होगा, जब बायोन फोर्स जो होगा वो क्या होगा, कम होगा,
क्या होगा, कम होगा, लेस होगा, लेस होगा किससे, वेट फोर्स से, वेट फोर्स से। अगर अगर बायम फोर्स, यहाँ पे रीजन भी लिखा है, ऑब्जेक्ट सिंक इन वाटर बिकॉज बायम फोर्स इज लेस देन द फोर्स एक्सर्टेड ड्यू टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए, जब ऑब्जेक्ट को मैंने डाला तो ऑब्जेक्ट के ऊपर जो ये वाटर फोर्स लगाना चाहिए था ऊपर की तरफ, जिसको बोलते बायम फोर्स, ये क्या था, कम था, दैट इज वेट फोर्स। अगर वेट फोर्स आपका सपोज 10 न्यूटन था तो आपका जो बायम फोर्स था वो 8 न्यूटन था, तो ऑब्वियसली क्या होगा, डुबा देगा ना ऑब्जेक्ट को, क्योंकि वेट फोर्स क्या है, ज्यादा है। जब वेट फोर्स ज्यादा होगा बायम फोर्स से तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डूब जाएगा। ठीक है, यही रीजन होता है कि अगर आयरन को फेंकते हैं हम लोग कोई भी वाटर के अंदर, आयरन क्या हो जाता है, डूब जाता है। क्यों, बिकॉज वाटर क्या लगाता है, ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया लास्ट क्लास, अगर एक बाल्टी पानी लेते हो ठीक है, अब वो बाल्टी में ग्लास को उल्टा उल्टा करके डुबाते हो, ठीक है ना, उल्टा करके डुबाते हो तो वो क्या होगा, पानी ऊपर की तरफ ग्लास को ढीलेगा, है ना, ठीक है ना। ये ऐसा क्यों, बिकॉज ऊपर की तरफ क्या लगता है, बायम फोर्स लगता है। लेकिन जब अब आयरन को जब आपने डाला इसमें, एक आयरन को 1 kg आयरन को डाला, तो जब 1 kg आयरन को डाला तब बायम फोर्स क्या हो गया, तब बायम फोर्स क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। और हमारा जो वेट फोर्स था, ठीक है ना, क्या था, वेट फोर्स, वो ज्यादा हो गया। तो बायम फोर्स मतलब ऊपर की तरफ धक्का जो फोर्स देता है, वाटर देता है, वो जब फोर्स कम हो गया वेट फोर्स से तो उसको उस टाइम ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सिंक हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट नंबर 2, इफ द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मोर देन वाटर। अगर ऑब्जेक्ट का डेंसिटी क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है, वाटर से। यहाँ पे और एक सिचुएशन आता है, कोई को ऑब्जेक्ट क्या होता है, ना पूरी तरह डूबता है, ठीक है ना, ना वो पूरी तरह फ्लोट करता है, ठीक है, ना वो पूरी तरह डूबेगा ना वो ऊपर फ्लोट करेगा, वो क्या होगा, बीच में होता है। ऐसा क्यों, क्या रीजन है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो बायम फोर्स होता है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे सिचुएशन क्या होता है, जो बायम फोर्स होता है, दैट इज इस सिचुएशन में जब आपने ऑब्जेक्ट को डाला, ठीक है ना, पानी के अंदर, तो जो इसका वेट था, जो इसका वेट फोर्स था सपोज 8 न्यूटन था, ठीक है, और जब इसने जब ये पानी में गया तो पानी में जाने के बाद क्या होगा, लिक्विड भी क्या करेगा, ऊपर की तरफ पुश करेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायम फोर्स, ठीक है ना। तो ये जो बायम फोर्स इसमें लग रहा था, बायम फोर्स वो क्या लग रहा था, दैट इज 8 न्यूटन का। तो यहाँ पे याद रखिएगा, जब बायम फोर्स इक्वल टू वेट फोर्स होगा तो ऑब्जेक्ट पूरी तरह डूबेगा नहीं, ठीक है, ना वो फ्लोट करेगा, ना वो ऊपर तैरेगा, ठीक है, ना वो ऊपर फ्लोट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ना वो फ्लोट करेगा ना वो पूरी तरह सिंक होगा। ऐसा क्यों, बिकॉज बायम फोर्स जो है वो इक्वल टू क्या है, वेट फोर्स है, इसीलिए क्या होगा, वो बीच में फ्लोट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा सिचुएशन क्या है, याद रखिएगा, जब बायम फोर्स इक्वल टू वेट फोर्स होता है तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो डूबता नहीं है, ठीक है, ना वो फ्लोट करेगा, वो बीच में होगा, ठीक है, वो मिडिल में रहेगा, मिडिल, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें क्या था, अगर इसमें क्या था, बायम फोर्स कम हो गया था, अगर बायम फोर्स कम हो गया था, कम हो गया था तो ऊपर की तरफ फोर्स नहीं लग रहा था, इसलिए वो डूब गया अंदर, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि ऑब्जेक्ट वाटर के ऊपर फ्लोट कब करेगा, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट वाटर के ऊपर फ्लोट तब करेगा जब क्या होगा, बायम फोर्स जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, वेट फोर्स से, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल, अगर मान लीजिए आपने एक बाल्टी पानी लिया, ठीक है, और एक बाल्टी पानी लेने के बाद में, यहाँ इतना तक सपोज पानी ले लिया, इतना तक पानी लेने के बाद में, ठीक है, आपने क्या किया, इसमें आपने ऑब्जेक्ट को डाला, तो ऑब्जेक्ट को डालने के बाद में
इसका जो वेट फोर्स है वो सपोज 10 न्यूटन है, ठीक है, कितना है 10 न्यूटन। लेकिन अब ये जो लिक्विड है इसके ऊपर क्या लगा रहा है, बायंड फोर्स लगाएगा, क्या लगाएगा, बायंड फोर्स। तो यहाँ पे जो बायंड फोर्स लग रहा है वो सपोज 20 न्यूटन का लग रहा है, ठीक है। तो जब बायंड फोर्स ज्यादा होगा वेट फोर्स से तब ऑब्जेक्ट क्या होगा, फ्लोट होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट सिंक और फ्लोट कब होता है वो मैंने समझा, ठीक है। तो पहला क्या बताया, यहाँ पे मैंने तीन सिचुएशन बताया। पहला सिचुएशन क्या था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सिंक मतलब डूबेगा तब, जब क्या होगा, जब बायंड फोर्स क्या होगा, कम होगा, क्या होगा, बायंड फोर्स कम होगा किसका, वेट फोर्स से, तब जाके ये ऑब्जेक्ट डूब जाएगा, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई कोई ऑब्जेक्ट पूरा पूरी तरह नहीं डूबता है, ठीक है। ऐसा क्यों, बिकॉज जो बायंड फोर्स होता है वो इक्वल टू क्या होता है, वेट फोर्स होता है। और थर्ड मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट वाटर के ऊपर फ्लोट कब करेगा, जब क्या होगा, वेट फोर्स कम होगा, यहां पे लिख देता हूं, वेट फोर्स जो होगा वो क्या होगा, लेस होगा, लेस देन किसका, दैट इज बायंड फोर्स, ठीक है, दैट इज बायंड फोर्स, ठीक है, बायंड फोर्स। जब वेट फोर्स क्या होगा, कम होगा, दैट इज बायंड फोर्स, तब हम लोग उसको, तब ऑब्जेक्ट क्या होगा, वो लिक्विड के ऊपर फ्लोट करेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक क्यों करता है वो मैंने आप लोग एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग एक्सप्लेन करूंगा, दैट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो थैंक यू।